8 इक्वल 4 टाइनी ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, राइट। तो आपके पास 8 छोटे छोटे ड्रॉप है, राइट। 8 ड्रॉप है, सबका रेडियस आर मान लो, एंड ये जो बड़ा वाला ड्रॉप है इसका रेडियस है मान लेना आप लोग कैपिटल आर है। हर एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना दिया आपको, 10 वोल्ट है। एंड फाइनली इसका पोटेंशियल आपको निकालना है बड़े वाले ड्रॉप का। अभी देखो, जब भी हम लोग ये चार सारे ड्रॉप को कंबाइन करके एक नया ड्रॉप फॉर्म करेंगे, तो उस केस में एक ही पैरामीटर जो है जो चेंज नहीं होता, वो होता है वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप मतलब क्या, स्फीयर कितना होता है, 4/3 πr³। एंड कितने आपके पास ड्रॉप है, n ड्रॉप है, 8 ड्रॉप है, इज इक्वल टू 4/3 πr³। 4/3 πr³ चला गया, ये होगा n, n कितना, 8, 8r³ इज इक्वल टू r³। मतलब अगर हम लोग इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिला किसका, r एंड 2r का। अभी अगर पोटेंशियल की बात करें तो देखो, पोटेंशियल क्या होता है, kq/r। तो पोटेंशियल तो हर ड्रॉप का कितना दिया आपको, 10 इज इक्वल टू, हर ड्रॉप के ऊपर का चार्ज मान लो क्यू है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, आर। मतलब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्यू। क्यू कितना मिलेगा, 10r/k मिलेगा। तो चार्ज ऑन ईच ड्रॉप हमें मिला 10r/k। अभी जो बिगर ड्रॉप है, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आएगा, के, उसके ऊपर का चार्ज। अभी वो ड्रॉप हम लोगों ने बनाया है बाय एडिंग 10 ड्रॉप्स, तो ये क्या आएगा, 10q चार्ज आएगा, डिवाइडेड बाय उसका रेडियस कितना, कैपिटल आर। तो डेटा पुट करो, अभी वी डैश इज इक्वल टू के इंटू 10 इंटू क्यू, क्या है देखो, 10r/k है, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्या है, 2r है, राइट। अच्छा नहीं, एक मिनट, कितने ड्रॉप है, 8 ड्रॉप है ना, वो गलती कर दी यहाँ पर, 10 ड्रॉप नहीं है, कितने ड्रॉप है, 8 ड्रॉप है। तो ये 8q, ये है 8, तो ये देखो के कैंसिल होगा, आर कैंसिल होगा, ऊपर क्या है, 80/2 मतलब कितना, 40 वोल्ट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 40 वोल्ट, राइट।